वीर छंद आल्हा में आल्हा निकासी का प्रोग्राम आपके सामने देने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि ये मुसीबत का चक्र मानव ही नहीं दोस्तों, देव और दानवों के ऊपर भी पड़ा है। जो मुसीबत एक दिन आला पर थी, वही मुसीबत दोस्तों भगवान शिव पर भी पड़ी थी। तो आज आइए दोस्तों, इस पावन चरित्र को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आरे जैसे पानी यह सागर को और बन के भाप जमत नभ जाए पाई के गर्मी फिर मही बरसे फिर बह लगत सिंधु में जाई। और तेसी ये जग पांच तत्तुषे आरे बन के बिगर बिगर बन जाए काया माया की छाया ने सब जीवन को दो तो भुलाई। आरे समय समैया सब काहू पे आरे ना दिन सदा एक से जाए राजा भिक्षुक राजा जग में नित्य हो त दिखलाई। आरे दुनिया जाने शिव शंकर को और नामी देव जगत दरम्यान भक्ति के बल भस्मासुर ने उनको कीनो मुदित महानी। दोस्तों जब भस्मासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया तो एक दिन भोले बाबा भस्मासुर से बोले, अरे बोले शंकर जी निसर से बेटा मांग ले वरदान तो हाथ जोर भस्मासुर बोलो सुन लो आशुतोष भगवान। आरे मैं धर निज कर जिस मस्तक पर हो मैं धर निज कर जिस मस्तक पर कह दे भस्म भस्म हुई जाए सोई शंकर बोले ये ही हुई है खाली बचन शकत ना जाए। जब भस्मासुर कहने लगा कि प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न नहीं तो ये वचन दें कि मैं जिसके शीश पर हाथ रखकर भस्म कहूं वही जीव भस्म हो जाए। भोले बाबा ने तथास्तु कहकर वो वरदान दिया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, अरे अब डर दानिए न जानिए निसर है पूरी बलाई काई और दे न धो को कहूं हम ही को सोई गई थी सामने आई। आरे पार्वती कुलक भस्मासुर मोहे दबाओ बार न लाई सोचो शंकर क्या कर पहे पल में दिए भस्म कराई। आरे दक्ष दूसरी
समिरैये जाना हुए लागे केहन नैन कर लाली। भोले बाबा ने कहा कि अरे दुष्ट, मेरी शक्ति से बढ़ा और मेरे ऊपर तू घमंड का जोर दिखाने लगा। लेकिन दोस्तों भस्मासुर ने क्या किया, हाथ उठाई भजो भस्मासुर, भाज उठे कैलाश बिहारी। नारी लऊं कर भस्म दऊं, कहे ऐसे परो मनु जात पिछारी। लोकन लोकन भाज फिरे शिव आई गौ तमना कमी भारी। सुरजन कहे जह साई सके, भक्ति की शक्ति तेरी बलिहारी। दोस्तों आगे भगवान शिव और पीछे भस्मासुर। भोले बाबा सोच रहे थे अगर इसने मेरे सिर पर हाथ रखकर भस्म कहा तो ये निश्चित में भस्म हो जाऊंगा। और उधर भगवान विष्णु ने देखा कि भोले पर मुसीबत है। तीन दशा शिव शंकर की लख बिछुड़ सके नहीं धीरज धारी। पार्वती को लियो धरी रूप, सजाई लई तन सुंदर सारी। शेदा कहीं रुक दुष्ट गयो, लख त्यागी दई शिव केर पिछारी। श्रीहर विष्णु पार्वती का रूप रखकर भस्मासुर से बोले, नारी बने हर आई कही कछुआर उत्तम की दृष्टि निहारी। व्यर्थ भजो इनके संग में, हम आप ही आप पे हैं बलिहारी। कहीं से द तमाम विचार बिशारी। दोस्तों वह दानव प्रभु की चाल नहीं समझ पाया, जान न चाल सको हर की खल नच उठो सब ध्यान बिशारी। ऐसे नहीं तब विष्णु कही, धरसी सब हाथन भस्म उचारी। प्रभु बोले कि ऐसे नहीं नाच करो, लेकिन अपना हाथ अपने शीश के ऊपर भस्म कह के नाचो। तो दोस्तों प्रेम का बाण तो लगाता हृदय में, प्रेमन ज्ञान सही न कियो शब की नो न लाई अबार सुरारी। सुरजन कै खल भस्म भयो, पल में हर शंभु किया फतिचारी। अरे विपदा पर गई थी शिव शंकर पे जब भस्म सुर परो पिछारी। देखी मूड़ है गुफा में
बसिए बेहर बनिए ते नर से नार। बरिया के शब पे पर गई मर्दो शबेरे सताई दो जाए। अरे पिपदा पर गई थी राम चंद्र पे शक्ति लगी थी लक्ष्मणा क्यारी। सीता हरण रे मरण दशरथ को वन में विपत्ति परीति करतारी। अरे सोई पिपदा के हायाल हापे अब महुबे भी कर रही है दिखाई। कैसे निकाशी भई थी आल्हा की सुरजन आगे पूरे ही सुनाई। के बिपिदा थोड़े ही दिन की पातरिया काटी से कट जाई है। के भैया थोड़े दिन की पातरिया काटी से कट जाई है बिपतिया। अरे काटी से कट जाई है के सुरजन बाटी से बट जाई है बिपतिया। थोड़े ही दिन की पातरिया काटी से कट जाई है जब बिपिदा। याद रहे मेरे हम उम्र दोस्तों, जो मुसीबत भगवान शिव पर एक दिन भस्मासुर के कारण पड़ी थी आज वही मुसीबत महाराज परमार के सामंत आल्हा उदल के ऊपर कैसे पड़ी है और किस तरह आल्हा महोबे से निकाले गए महल की चुगली में फंस करके, ये पावन चरित्र में आपके सामने ला रहा हूं। आ जाइए दोस्तों। अरे महल भूपति उरही वाले जो परियार गुठैया टार कर कर चुगली के उन माहिल ने सब गढ़ कर दे पनिया ढारी। अरे धुआन देखो जिन महलन ने उनमें दौड़ी लगाई दैया आग माहिल मामा के उरही बाले चाहत सब खेले न पिरानी। सोच रहा है माहिल अरे मेरो महोबो अरे भोगत राज रजा परिमाल आल्हा उदल जोर मर जावे तो महुबे पे दखल ले करवाई। अरे मन मन सोचत माहिल जावत और घोड़िया पे भयत सवार सीध लगाई लई थी दहली की जहां दरबार कृष्णी चौहानी। अरे पद पेजनी सिर पे सोहित मोहित मनई ढाल तलवारी
और कूद के बैठ गए काठी पे बेड़ी चाल बछेड़ी क्यार आरे चाबुक मारत दाऊ बिचारत चल दे देरन पल की लाय छाती तोरत मूछ मरोरत जब कोई घात जात है पाय
दर्शन की तो आए चले तो ही अनुते काज। अरे एक ये देखो है मेरे मन में शोभिन कहे वो तेरा हो न जाए। चार चौदिशे केरे धूरे पे मलखे किला को रहो बनवाई। अरे जैन रोको के जोरे मलखे को दिल को ताड़ा है बने गो जाए। भीत आज तो ठाड़ी हो बे के भीत नकल तो हद दब जाए। तो माहिल ने कहा कि मलखान शिरशाह के किला को तैयार करवा रहा है, राजन उसे रोको नहीं तो महुबिया किसी दिन दिल्ली की शीम को भी दबा लेंगे। तो पृथ्वीराज ने कहा कि माहिल उनशन कौन है करे तकरार। अरे बड़े लड़ैया के पेशव भैया एक देख है महाबलवान। किनकी माता ने नहर जन्मों के उनसे जीत सके मैदान। लड़ाई सो तो चढ़ी है के मेरे दी है बूहो सब बिगाड़ी। अरे गटे शामली के जो आल है के सो है जियत तो रहे गो नाई। बड़ी मुसीबत के मोह पे आई है गोपे जब ही के शेर मलखान। दोस्तों मुस्करा करके माहिल ने कहा तो इसका मतलब है कि चौहान साहब हाँ बनाफर वंश से डर गए लेकिन ऐसा नहीं। अरे माहिल बोले
के चोखो रंग आई नहीं जाए। अरे पांच बछेड़ा के जो उड़न है तिनको आप है ले वो मगवाई। उड़न बछेड़ा जब नहीं रहे हैं के उनको गर्भ तो शकल नस जाए। संदेश वाहक पत्र लेकर के महोबे में महाराज परमाल की सभा में पहुंचा, हुआ क्या भक्तो? अरे सीसनाई के चंदेले को धामिनी चिट्ठी दई गई, खोली लिफाफा को उन बाची एक तुम गए सोच मीछाई।
होश बंद राजा के हुई गए लीली पेट जाति नायलार अपने धामिन को बुलवायो अपने धामिन को बुलवायो दशपुरवा कुंदयो भिजवाई आला उदल को बुलवायो सुनते ही हुक्म गए सोयाई दोस्तों परमाल ने महोबे के निकट जहां दशपुरवा में आला उदल निवास कर रहे थे उन्हें अपनी सभा में बुलवाया। खबर पाते ही पाते आला उदल अपने महाराज के पास में आए अरे हाथ जोड़ के आला बोले मालिक हाल दे बतलाए कौन अबरिया तुम पे पर गई जो बेशमे लयो बुलवाय सोई हिलकी भर के चंदे लेने ऐसी कही लला से जाय अरे चिट्ठी आई है दिल्ली से ऐसे कही चंदे ले राय उड़नी घोड़ा पिरथी मांगत ताको करियो कौन उपाय महाराज परमाल ने कहा कि पुत्र जो अपने पास उड़नी बाज है इनको महाराज पृथ्वीराज चौहान मांग रहे हैं तुम्हारा विचार क्या है। तो आंखों में खून के कतरे लेकर आल्हा बोले आल्हा बोले हम सब जानत जो कुछ चाहत पिथौरा राज अरे किंतु सपने में सो हुए उनको साफ देव लिखवाए अरे जिन घोड़न पे चढ़े बना फरदिन पे अगर चढ़े चौहान और शान बूढ़ जाए गढ़ महुबे की सोना हो न दे यद प्राण अरे तब समझाओ चंदे ले लेते कहां गमाए दो ज्ञानी और भारी राजा दहली बारो नामी शब्द वेद चौहानी अरे जो न घोड़ा तुम पठबयो तुरत अइली है लड़ाई थानी और लावन हुए रड़ कर बे पताशो ले हमारी मानी आरे सुन दई उदल लाउट हुई रे तड़पी कही उदय सिंह राय और लाभानी को बनिया सोचे हम छत्रिन के राजकुमारी आरे चढ़े पिछोरा जो महबे पे तो हम दिल्ली लिए लुटाए मारे मारी की चौहानन को बीघन माश दिए फैलाए अरे एक पिथौरा की का गिनती बामल चढ़े पिथौरा राय और घोड़ा कायम जोरे उदल को तो देख सबके शीश उड़ाए खेत बंधर रामेश्वर लुबाजी टाप बेंदुला क्यारी और पूना झूना
कर कर सूना कीने की पक मैं बिशमारी आरे दतिया मारी बतिया कर दई बाजी अटक कटक तलवारी और करे कुमायूं पेशावर सर गजनी काबुल और कंधारी आरे बामन गढ़ के बामन राजा सुन के नाम उदय सिंह प्यार और काफी उठत है डर के मारे ठाड़ी छोड़ी दे तलवारी आरे योर तो रे खुद पे थी के मैंने मान समर में मार और भैया ब्रह्मा के संग उनकी बरले बेल्हा राजकुमारी दोस्तों उदल की ये क्रोध भरी बात सुनकर के महाराज परमार की आंखों में खून के शोले धधक गए और उदल से कहा अरे बात सुन की के बघऊ उदल की जर की कही की के राजा परमार आई मुटाई के तुम पे छाई मेरो हुक्म तो दयो बिशराई आरे खाली कर दे के मेरो दश पुरबा भावे तहां पे रहो तुम जियाई पानी पीबो जो गढ़ महुबे में मानो गोरतर उदय सिंह राय अरे करो जो भोजन गढ़ महुबे में जानो गौ के है माछ समान ऐ संगम शोभो के जो तिरियन के तो मन बहन के संग में जाए अरे आला उदल कोरे चंदेले तये तीन तो तलाक जाए अरे जवाबन देख के दोनों चल दे पहुंचे दश पुरबा में जाए अरे रुपना बारी पूरे बुलबायो ताकू हुकुम तो गयो करवाए 6000 के हमारी सेना भैया जल्दी से करो तैयारी दोस्तों रूपन बारिश है आल्हा ने कहा भैया जो 6000 मेरी फौज अकेली महोबे से अलग है उसे बहुत जल्दी तैयार करो तो रूपन पूछने लगा अरे बात सुन के ये तो आल्हा की रूपना गौ है के शना को खाई बिना लड़ाई के बिन तकरारे कहां को फौज को रहे सजबाई सोई आल्हा के बोले रूपन भैया महुबे से उठ गयो है अन्न हमार आज्ञा दई परमाल भूपने महुबे से निकल जाओ तत्काल अरे जैसी आज्ञा कर रुपना चल दो पहुंचो बीच तो छा बनी जाए
के हाय आल्हा के तो रुपना ने फौज पुलो है सजाई। जब दोस्तों फौज सजके तैयार हो गई तो उदल आल्हा से पूछने लगे, भैया एक बात बताओ। उदल पूछत है रे आल्हा से, भैया मंडली कै अवतार कहाँ कुछ चली हो, तुम सोची है के है दुनिया से के पैर हमार। अरे चिकन न कोई के हम कूदी है, करते ही बात दी है दुतकार। केवल रास्ता का एक दीखत है के जो चढ़ जावे है ज्ञान तुम्हारी। अरे ये चंद राजा के है कन बज के भारी राज्य और तथा दरबार। बेर हमारो के नारे उनसे है नहीं भाई कभौं तकरार। अरे बात सुन के कहे उदल की आला हुई गए खुशी अपार। बात तुम्हारी कहे तो अति प्यारी के भैया मेरे उदय सिंह राय। भैया प्यारे उदल वीर हमें कनबज पहुँचलो है, मेरी मैया के जाए वीर हमें कनबज पहुँचलो है। कनबज को चलनो है भैया, कनबज को जानो है, जाए वीर हमें कनबज को जानो है। याद रहे दोस्तों, जब परमार की तलाक आल्हा उदल से बर्दाश्त नहीं हुई और ये विचार बन गया कि बामनगढ़ में तो बैर है लेकिन कन्नौज के महाराज जयचंद से आज तक हमारा कोई मनमुटाव नहीं है और हम कन्नौज में चल करके अपना ठिकाना लगाए, दोस्तों ये जब शर्त तय हो गई उसके बाद में आल्हा ने अपनी महामंत्री ढेबा को बुलाने के लिए इरादा प्रकट किया है। अरे हम बुलबाब तेरे ढेबा को उनसे ले मेरा मिलाई और इतनी कह के धामे नि द्वारा लो ढेबा को तो हाल बुलाई। अरे घोड़ा मनुरथा पैर चढ़ ढेबा छिन में ता पहुंचियो जाय। अरे चकित तैयारी लख के रह गो बढ़िया लाखों करी जुहारी। अरे आला बोलत ढेबा भैया अब ये सुन ले बात हमारी और दाना पानी गढ़ महुबे से हुई गो मन लागी बारी। अरे कहीं न मानी हम राजा की ता से उनने दो निकारी और तीन तला के हमको दीनी हो हुई गई तिजगर के पारी। अरे पानी पिए नहीं महुबे में भोजन हमको भाव हरा।
बशेरो अंत हुई है नय मालूम रची कारामी अरे शगुन बिचारो धीरज धारो रास्ता हमें देव बतलाए और कौन दे सकूं अब हम जावे जैसे काम सिद्ध हुई जाए दोस्तों जब दर्दीली बात आल्हा की सुनी तो ढेबा आंखों में आंसू भर के बोले कि भैया अरे ढेबा बोले आल्हा भैया ये क्या या पूरे फरमाए अरे शन तुम्हारो हम न छुड़िए चैतन धजी धजी उड़ जाए अरे करो तैयारी तुम कनबज की भारी राज कनौजी राय और ठिकानो ना कहूं दिखे सबको होए बहानिस्तारी अरे बात बह गई देवा की उनको शन करो स्वीकार और याल्हा उदल महलन पहुंचे चिंदल आए खेल शिकारी अरे इंदल पूछत है उदल को चाचा हमें देव बतलाए और कहां की प्यारी तुमने कीनी काए फौजी लई सजाई और कही न मानी हम राजा की उन महुबे शैदो निकारी और कर तैयारी हम कनबज की अपनी चले फौज लिवाई और शो तुम जल्दी महलन जावो तोलू देवे पहुंची आई दोस्तों आल्हा उदल इंदल ढेबा जब महोबेश निकलने को तैयार हो गए तब तक उदल की मां देव कुमार वहां पर पहुंच गई और आल्हा से पूछने लगी और कहा की प्यारी बेटा की नी पूछने लगी बिबल दे माय सोई आल्हा बोले महतारी से मैया सुन ले कान लगाई अरे पाच बछड़ा जो उड़ने है राजा पे मांगे पिथौरा राय ओ राजा जी ने हमसे पूछी हमने साफ करी इनकारी अरे जा पे राजा ना छोटे मोय महुबेश दो निकारी और करी तैयारी हम कनबज की तुम बहुन फूले सजाई सोई देवे बोली है आल्हा से बेटा मेरे राजकुमार और बुरो न मानो तुम कहबे पू तुमको पालो रजा पर माली और हमें तला के दई राजा ने सो हुई गई जिगर के पारी आला आंखों में आंसू भर के बोले मैया परमाल को मैंने पिता के समान माना है लेकिन आज उसी धर्म पिता ने वो बात कही कि माए गले जा भर गया आंखों में आंसू भर के आला बोले भोजन मैया के हुई गो हराम
हुए के बेड़ा पार है लगे है राम। अरे इतनी सुन दई के देवे चल दई सब बहुन को कलो है सजाए मछला फुलबा के चित्र रेखा तो डोलन सबको के लोहे बिठाए। अरे डेरा तंबू के जल्दी जल्दी ले लदायरे के उदेश इंकियारी जितनी माया के दश पूर्वा की सब छकड़न में के दई भरवाई। अरे गजपत शाबद कोरे छजबा चंदन सीढ़ी बापे दई लटकाई घोड़ा मनुरथा पे ढेबा चढ़ गो तो हुई के त्यार है पहुंचियो आई। अरे शगे बेतुला और हंसामन परिया और ये कर लिया बाज ढेबा बोले के तब आल्हा से नहक देर करत किस काज। दोस्तों जब राजमहल से निकले तो ये मालूम पड़ा मानो आज प्राण शरीर को छोड़ के जा रहा है। शरण लागे के तहरी के आला गज पे हुई गए सवार उदल चढ़ गए तेरे सबेंदुल पे के हंसा मन पे है राजकुमार। अरे उठी है पालक के शबरान नदी कर रोबे के दश पूर्वा की अपनी छोड़ रे छोड़ दे कार। अरे शी सुनबा के दश पूर्वा को चल रो मंडली का परिवार आई की महुबे में जब हुई निकरे तो मार्ग घड़ी के लगाई चार। पूछी के उन काऊ की नामो छुओ तो जरा सोलाई। दोस्तों मुसीबत में भानेज ने भी बात नहीं पूछी जब आल्हा का परिवार मानी मल्ला दरवाजे पर पहुंचा जो चंदेले की धर्मपत्नी थी। उन्होंने जब सुना कि मेरे धर्म पुत्र आल्हा उदला दत्तपुरबा से जा रहे हैं दोस्तों मैया का कलेजा फट गया। अरे मल्हना रानी ने जब ये जानी निकले जाते हैं बना फरराई बारह रानी ने चंदेले की दौड़ की गई थी के द्वार पे आई। उदल भैया की तो चन्ना ने छोड़ है दई डकार। अरे मेरी भुजरिया के मदन तल पे तुम बिन भैया को दी है शिरबाई खबर पिथोरा को जब लगे है तो महुए गुहाई बोली है लुटवाई।
करता हुआ उदल ने देखा तो अपनी बहन के माथे को चूम करके कहा कि दीदी रो मत। अरे उदल बोले के चिंता त्यागो, जिम्मेदार है बुद्धे सिंहराय। अब हूं उदल ने तुम को त्यागो के मेरी पता तो माफ हो जाए। याद रखना दोस्तों, जिस समय आला उदल बहन चंद्राबल के सामने खड़े थे, बहन की आंखों में आंसू भरे थे दोस्तों, तब तक ये दुखद समाचार सारे महोबे में फैल गया कि आला उदल महोबे को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे रैयत रोबत है महुबे की, छोड़ न जाओ उदय सिंह राय। और बाल बेशक मित्र सने ही सब ही रहे पछाड़े खाई। अरे घोड़ा सुन भय भोइन रखे नैनन बाती नीरकी धारी। और मुख में सूंड़ी दए गजरो बत हुई प्राण अंग में भारी। अरे सदा काल को बिछुरत देखे अपने प्राण प्रिय आधारी। और भर डकार बहन जब रोही तो धरती तलक गई थी दहलाई। अरे वृक्ष सबई पत जड़ कर बैठे गिर गए शकल फूल कुमिल्याई।
और भर हिलकी चंद्रा बल रोही तो डीके मारी उठे आधारी दोस्तों जितने परम मित्र थे सभी दोस्त सामने आ गए उदल को और भुजा पकड़ के बोले भैया अरे किनक सहारे हमको तुम्हारे छोड़े जात बना फरराय और तुम गढ़ महुबे से जो कड़े पिरथी लूटे महो बोयाई अरे परी की परा तुम्हारे कटे लोचन याम उदय सिंह राय और जा दश पुरवा में जन्मे थे पिरथी बाह दिए करवाई दोस्तों इधर तो मित्र रो रहे थे उधर बहन चंद्रावल अपने भैया उदल के सीना से लगी बिलख रही थी अरे भुजा पगर के रन बंका की रोबन लागी बहन जिदकारी और छोड़ न जाबो मोय महुबे में ओ मेरे धर्म भ्रात बलवानी तब भुजा पगर के बहन अपनी की रोय के कही उदय सिंह राय और उदल रुक बे के नाई कै रोई रोई के रही रुबाई आरे जाद न भीर पड़ागी तो के उदल गिरे स्वर्ग ते आई अरे साची जानी लई मलना ने रुक ही नाई बना फरराई दोस्तों अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग थे आल्हा उदल मलना चंद्रावर जान गई कि वे रुकेंगे नहीं तो मलना के दिमाग में एक बात आ गई अरे मलना तेरो हर कारे कोई और शेर शापो दो पठाई और चिट्ठी लिख दई है मलिखे को पहुंचो तुरंत महो बे आई अरे बात बिगड़ गई कछु राजा से रूठे जात बना फरराय और आई मनाबो सो तुम उनको नहीं सब जही काम नसाई अरे तो हर कारा भज सिर साको बैठो जहां मल्हारे राय और शीश नाई की चिट्ठी दे दई मलखे पढ़त गो घबराई दोस्तों जब मलखान को यह खबर मिली कि मेरे चचेरे भाई आला उदल आज महोबे को छोड़ रहे हैं तो दोस्तों ये मालूम पड़ा मानो सारा संसार अंधकार में डूब रहा है सिंधु शिरसा में उमगो गम की बही थी एकदम धार अरे कनका मैया के जो मल खे की धरती पे गिरी है तमारो खाई जलद बुलाई लो तो मलिखे कुके बेटा मेरे के मल्हारे राय
हाय तुमनी दम पे बेशरसा को किलाए करो तैयार। अरे सोई कन्हैया के उदल छैया रूठो जा तुह के लला हमारी और भज के लला तो जाओ महुबे को निक मेरे बेटा को लइयो बुलाई। आरे देर करो दे तो रोई मरोगे फिर न मिली है के उदय सिंगराई उदल निकली जाए महुबे पे तो शरशा पे तो बहाई लगेगी आई। दोस्तों कनका इधर रो रही है और उधर मलखान की पत्नी गजमोतिनी ने जब सुना कि देवर उदल आज महोबे को छोड़ के जा रहे हैं जाने बूढ़ा मारी दो तो मुड़ जारी से चुरिया छार रे छार हुई जाए बांदी भेज दई गजमोतिनी ने और मलखे को के लोहे बुलाई। गजमा छोड़ तो दई डिडकार या दिन घिरे ते पिया काशों में उदल ने विषम तो करी तलवार। अरे सोई देवर में आखन के तारे निकरे जाते हैं बना फररा जलद बुलाए ले तुम शिरसा में के आधो शिरसा के देवो बटवाई। अरे खबरी फैली गई है तो शिरसा में गम की घटा तो उठी मडराई हिलकी भर गई के नरम लिखे की और जल कोर रे कोर हुई जाए। आरे कूद की बछेड़ी पैर चढ़ बैठो नहर बच्छ तो राज को लाल आई कि पहुंचो तो गर्म महुबे में के आल्हा को मिले से एकदम जाए। अरे कूद बछेड़ी से धरती पे ओ तो आला के चरण हाई गहे अकुलियाई आगे बढ़ के उदल भैये तो मलखे ने छाती से लोहे लगाई। दोस्तों जब अपने चचेरे भाइयों को जाता हुआ देखा मलखान का कलेजा फट गया आंखों में आंसू भर के आला से पूछा अरे का तो बिगड़ गई गड़ बहु बेबी का को जाते हो बना फरराई तुम अपने शिरसा के बारो नहीं बची है आला ले बो के हमें अपनाई। भर गई तिहाई आल्हा की मलखे पुछाती से लोहे लगाई उठ दो दाना के जल महुबे से कारण सही तिहाई दो बदलाई। मलखान को अपनी छाती से लगाकर आल्हा ने पूछा भैया रो मत
महुआ छोड़ने का एक बहुत गहन कारण है। अपने उड़ने का जो भाड़ा है पिरथिया मांगे है पत्र पठाई, कहीं चंदेले ने दे देवे की हमने नाही तो दई करवाई। अरे भैया शोको के हम नहीं है चाहे प्राण रे रहे चल जाए, काहे से भोड़न के तो जाते खन जैसे माटी के मोल बिकाई। अरे बातन मानी के चंदे लेकी उनने महुबे से दोहे निकार, कठिन तलाक तो दे दई मोको के महुबो छोड़ के रहो कहूं जाए। महुबे को हम छोड़ते हैं भैया मेरे के मल्हारे राय, भैया लौटी जाओ सिरसा को दीजो मेरी के याद बिशराय। सोई लगिया भर गई थी पीर मल खेकी के धरली ते मूड़ है पटक दो जाए, बिना तुम्हारे के बाशिर सामे के सुनो किला मोल पड़े दिखलाए। अरे अब ये चल दे तुम सिरसा को तहां पे राज तो करो हर शाय, थाले सेवा के तुम्हारी करे के सपने भूल तो सके न आए। अरे बिना कन्हैया के इंदल छैया दुनिया में कोई मोई दिखावे नाई, चाचा चाचा कहे को बुली है तो को मेरी गोदी में खेली है आई। अरे आला बोले के तब मलखे से भैया सोच है दे बिशराय, जिंदा रही के तो फिर मिली है के वीर न लौट तुम शिरस बाजाओ। अबे न जहे के हम शिरसा को कर बज और हम रहे हैं जाय, इतनी सुन के मलखे चल दे नैनन बहते है नीर की धार। दोस्तों मलखान समझ गए कि अब हमारा परिवार रुकेगा नहीं, मन को महसूस के शिष्या को लौट गए। अरे खबर फैल गई सब सिरसा में कढ़ गए वीर तो बना फरलाल, कनका मैया जोरे मलखे की तो धरती पे गिरी है तमारो खाई। चंदा छोड़ दई है डिडकार, मुड़ी मुड़ी उदल के बहन को देखे तो नैनन रहो तो रतन जल छाय। भैया आला उदल निकल महो बेश आगे पूछल दे हैं, यारो आला उदल निकल महो बेश आगे पूछल दे हैं।
मेरे नौजवान साथियों, जिस समय आला उदल मलखाम को समझा करके सिरसा को लौट आते हैं, धर्म बहन चंद्राबली जो परमार की लड़की थी उसे विश्वास दिया है कि बहन तू रो मत, मुसीबत में हम तेरी मदद जरूर करेंगे। इतनी कह करके अपने परिवार को लेकर के जब दोनों चल दिए हैं, दोस्तों देखिए मुसीबत का खेल। अरे विपदा पड़ गई राजा नल पे खुटिया लीली नौलखार, और भुने भुनाए तीतुर उड़ गए जग को रूठ गयो तो आधारी। और सोई बिपदा हेरे आला पे भूपन महुबेश दैते निकार, और हिलकी भर गई हेरे दोन तीने नन बहती नीरती धारी। अरे भर भादो गिरे ने अधेरी और मघा की, अरे मघा नक्षत्र को जल जब बरसे बादल घुमड़ी घुमड़ी रह जाई। अरे चीत नखत की उन गामन में पारो इंदल गौ को मिलियाई, और पान निबट गए पान दान थे तीयन ओठ गए भूमि कोई नहीं त्यागो दिल अब धड़क धड़क रह जाई। अरे कांग भयानक है पिता की हाथे हाथन दे तू दिखाई, और सब परिवार संग में लेके निकले जात बना फरराई। दोस्तों जब महोबेश निकल करके रोते हुए अलाउद्दीन नदी बेग बागे निकट आ गए हैं, आई नदी पितबे पे बना फर पूछ उतार कुटुंब उतारो, बीत गए इनको दिन दुई तीसरे दिन झाबर जाए मझारो। कहीं मुख सूख गए दुख जाए न रानी न केर उचारो, फूल से कोमल गात महाबिलखे अति इंदल राज दुलारो, पान पिटार न मैन रहे को कहे जुख भाव जो रान न भारो। देख रहे हैं ये दशा भट उदल जाई नहीं तिन कष्ट उचारो, सैदा कहे बचे दिन जाई कि देख परो यमुना को किनारा। दोस्तों जिन रानियों ने राजमहल से निकल करके सूरज की तेज
आज बोई रानिया भादों की भयानक गर्मी, कभी जल बरसता है, कभी तूफान, कभी सूरज की तेज धूप। दोस्तों, जिस शिंदल ने कभी धरती पर कदम नहीं दिया था, लेकिन बाहरी मुसीबत, 5 दिन बीत गए महोबे से चले हुए, भोजन की कौन कहे दोस्तों, एक घूंट जल भी नसीब नहीं किया, क्योंकि परमान ने तलाक दी थी कि महोबे की सीम में अगर पानी पियोगे तो समझ लेना कि गाय का खून पी रहे हो। हाय हाय दोस्तों, यमुना के किनारे पर जब ये पूरा परिवार आ गया काल की घाट पर, रेत में डेरन डार दयो सब सोई गए तन चेत बिशारो, रेन कटी उलटी पलटी और पूछ दियो करी हो तसकारो। घाट तरे कलपी उतरे मद पूछ कनौज दिशा पग धारो, सुरजन कहीं परहुल पहुंचे सब देख भयो मन आनंद भारो। आरे हो तो सकारो के उठ परहुल से आला पूजा है दो करवाई, चार दिना की मंजिल करके पहुंचे सियर मऊ में जाए। दोस्तों, 8 दिन बीत गए, आल्हा उदल को अपने परिवार को लिए कन्नौज की ओर जा रहे थे। महाराज जयचंद की राजधानी की सीम पर जब इन्होंने पदार पर किया है, शियर मऊ के निकट जब ये पहुंच गए, अरे मंदिर सुंदर है जहां देवी को आल्हा बोल तो दो विश्राम, सुंदर बगिया है शियर मऊ में जहां प्रक्षण को के बहुत घमश्यान, आम और अमरूद संतरा कहूं कहूं नींब नकी है पतनार, सुंदर केला के पेड़ लहरा दे तो पपिया पी पीऊ रो है सुनाई, डालन पे मनु घन गरज रह जाए। अरे गुलाब जामुन के पेड़ लहरावे खट्टा मीठा के देते हैं बहार, बीच में मंदिर है तो देवी को आल्हा वहां पर के करत बहार, छुट गई थी राजपूतन की लागे हो न तो बाशके काम, ए डेरा लग गए के शुभ बागन में तो बन गए थान रे बछेड़न क्यार, अरे चढ़ी है रसोइया का राजपूतन की कऊ कऊ हो न तो लगी जीवनार, आल्हा बोलते हैं रे उदल शोके भैया मेरे लोहरवा भाई।
देह तो बरसत है रे भादों को, भैया हियन पे करो विश्राम। अरे उदल को बोले हैं जब आल्हा से, भैया मानो के बात तू हमारी, शेष महीना के बरसार तुके जाई ठोर पे करो निस्तार। अरे बादल सी सब हार कर रे तू है, बिजली चमक तो चमक रह जाए, कहूं गुजारो के अब नए हुई है के पक्के तो डेरा हिन ले वो लगवाए। ऊंचे टीलन पे पक्के करके तो तंबू हाल पे दे तनवाई। अरे बैल साड़िया हाथी घोड़ा सब को ठो रहा डो बनवाई, लगी है राबटी रजपूतन की तो कोशन फौज ही फौज दिखाई। अरे भरी तिजोरी के धन दौलत की ताकि ने कतो नाए परवाई, चारों ओरी कीरे हाटन से सब ही पस्त बेलई मगुबाई। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय आला उदल ने महाराज जयचंद की शीन शियर मऊ में अपना शिविर लगा करके वर्षा ऋतु व्यतीत कर ली, जब वर्षा खत्म हो गई तो एक दिन उदल ने आला से कहा कि भैया अरे जय जुहारो अब जयचंद को, जासे चले कछु रोजगार बात भाई गई डर आला के लीनो फील बान बुलबाई। बेग सजाबो पटशाबद को, ऐसी हुकुम दो तो करवाए, चलो महाबत जोरे आज्ञा कई होदा तुरत दो तो धरवाई। अरे माथो रंग दो पटशाबद को, दई सुंदर सी झूल डराए, झालर डाली मोतिन वाली एक एक लड़ी हजारन क्यारी। अरे खाड़ो बिजुलिया ले तो आल्हा ने, अरे बख्तर जिरह लो तो कछुआ, ढाल बिराज तिहर कंधा पे जापे सुंदर काम सुहाई। अरे सोभट उदल ने सजवाए, तो झुकी लगे ते शामनिया, हुक्म बना फर को हो तैखन एकदम जवान गए शर्माई।
चले हैं। पहुंचे तब कनबज में शोभा देख उठे हर साई। अरे जहां पे ड्यूरी है तो ये चंद की आला लगे बराबर जाए, और देखत सूरत दरमानी ने ऐसे अर्ज करी सिर नाई। अरे मिलबो बे जो राजा से तो बोए देव इजाजत आई। आल्हा बोले महुबे बासी आल्हा नाम रहो तो कहलाई। अरे मिलबे हम को अरजे जन से सो तुम जलद देव मिलबाई खाई, जैसी आज्ञा कह सो चल दो राजे खबर सुनाई दई जाई। और संगम चल दे दरमानी के द्वारे सबई दे ठहराए। आल्हा पहुंच गए बंगला में बैठे जहां कनौ जीराए। अरे साथ कायदे के राजा को कीनो नमन बना फर्राय। और शैनन जे चंद कहनो कर से चंदन चौकी दई डरवाय। आबो आल्हा छत्री बैठो जी को हाल दे बतलाय। अरे कुशल मोहबे की बदलाव है तो खुशी रजा परमाल। और कैसे कष्ट करो या बन खोता को बता दे मोई हाली। कभी आला बोले तुम दया से सब विद खुशी चले ले राज। और एक मुसीबत में हम ही है तब दरबार मझार हो जाए। अरे करत भलाई आफत आई हुई गए खुपित रजा परमाल। और शहित उदय सिंह के महुबे से उनने मोखों दो निकाली। अरे आए जुहारो तब तुम हमको शो हुई मुद्दत कनौ जीराय। और हमें ठिकानों का बतला बोझ हम डेरा ले लगाई। दोस्तों जब आल्हा ने कहा कि महाराज परमाल ने मुझे महोबे से निकाल दिया है, राजन कोई जगह हमें बताओ जब हम परिवार सहित गुजर कर सके, तो बाहरी मुसीबत कहां तो जगन हस बोलत थे आए मनु बड़े मेहमान। और जहां ठिकानो याला पूछो उनके निकल गए मन प्राणी। देखिए दोस्तों मित्र की जांच मुसीबत में होती है। मित्र को चित्र पवित्र महा लख देह बगेह को नेह न सावे। भूख न भूल लगे सपने और प्यास मरे निशनी न आवे। खाने
जब फेर लखे तस राम बचावे। अरे सोच सोच के ऐसे बोले कामत कट गई राम तुम्हारी, तुम्हें निकारो है चंदे लेने हम कनबज में जोली है टिकाई। अरे मेला खटाई में तो पर जय है ताशे अंत तुम जुहारो जाय। आई पसीना तो गौ आल्हा को मन जल घड़ न दो है भबकाई। अरे हाथी ठारो तोरे पक्षा बदुता पे बैठ गए ते दुख पाई। चार घड़ी में के चल कन बज से पहुंचे शियर मऊ में जाई। दोस्तों जब आल्हा को आया हुआ देखा तो उधर पूछने लगे भैया बात क्या है, ये चेहरे की क्रांति मलिन क्यों है, जयचंद ने आपसे क्या कहा है, वो सारा हाल हमें बताओ। तो आल्हा बोले उदल भैया हम पे कछु तो कही ना जाय। अदिन हमारे के पीछे पर गौ के ताशो पेश रही ना जाय। अरे पहले जयचंद के लाओ आदर से पूछो हाल तो महोबे प्यार। ठोर रहन को जब हम मांगो तो उनने कर दई के साफ इनकार। तब ही उदल में बोलन लागे दादा सोचे देव बिशराय। सदान विपदा एक सी रहे है के चतुरा कहत रहे ही आए। अरे हम तो मानुष छी जन कोई देवन अदिन तो सताए दो जाए। रहत भरोसे के जो ईश्वर के उनको बार न बाको जाए। उदल ने कहा कि भैया हम तुम तो मनुष्य हैं, ये मुसीबत हर देवता पर भी पड़ी और मुसीबत के मारे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन को गए थे। बोले हैं उदल भोरे राम चले बन को अप कीरति और नसीस चढ़ाए। विशुपति बशति सिय लक्ष्मण जाए महाबन में दुख पाए। व्यंजन त्याग अनेक प्रकार के भोजन में बन के फल खाए। सुरजन उपाय हजार करो बिन कर्म लिखी सो मिटी न मिटाए। और ऐसा ही नहीं भैया जीत लो त्यु लोकन रावण इंद्र कुबेर के मान घटाए। भूत पिशाच
ससुरा शर किन्नर नाम सुने जिय को घबराए। अरे बानर भालू न लेत सको परिवार न शाही के गर्बल चाए। शेदा उपाय हजार करो कि न कर्म लिखी सो मिटी न मिटाए। और भी ध्यान दो भैया, राम को राज मिलो फिर से पुर देवन के दशकंधर पाए। और सुनो नल को जग जानत राजन साई भले दिन आए। काऊ के नाई रहे दिन एक से शास्त्र अनेक कहे ये गाए। चैतन्य उपाय हजार करो पर कर्म लिखी सो मिटी न मिटाए। अरे सोई मुसीबत के भैया हम पे काउ दिन सुदिन तो पहुंचिए आई। उदल आल्हा पूरे समझावे के भैया धीर तो धरो मन माई। अरे रही मुसीबत के ना काऊ पे रहे कबू तो हम पे नाई। अच्छो दिन जब भैया के आई है तो जे चंद खुदई ली है बुलवाई। भैया इत उदल आल्हा को धर्म को ज्ञान बताए रहे हैं। सुरजन इत उदल आल्हा को धर्म की बात बताए रहे हैं। अरे बात बताए रहे हैं भैया को उदल समझाए रहे हैं। भैया को धर्म की राह बता रहे हैं। याद रहे दोस्तों, इधर अपने बड़े भाई आल्हा को उदल धर्म ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कि भैया मुसीबत सदा किसी पर न रही न रहती है और न रहेगी। अच्छे दिन आएंगे तो जयचंद हमें जरूर बुला लेंगे, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। और इधर दोस्तों उधर का कलेजा क्रोध में भभक गया। अरे उदलियाला कोरे समझाओ, अरे चिंता शकल देऊ बिशराई। छे दिन जब आई हमारे जजन खुदई लिहर बुलवाई। और ये मन भाई गई तियाला के समुअन जाई करो तो विश्राम। लई सो मेरे नी कर तुलसी की लागे जपन राम को नाम। अरे चार महीना जो सर्दी के दीने ते बाई अठोर बिताई। कहे हकीकत अब आगे की यारो सुनियो ध्यान लगाई।
सोचे मन अपने में जनिए कहा कनौजियरा को ना जाए और लोटिया ने तन को बेतन से लई है तन की खा लौड़ाए और कर्तव्य ऐसो कलिहा करके पहुंचो शियर मऊ में जाए और हाल सुनाऊं अब कनबज को मर दो ध्यान बिछर ना जाए दोस्तों उधर जब कन्नौज में उत्पात मचा करके शियर मऊ में लौट गए इधर कन्नौज की रैयत भाग करके राजा जयचंद की सभा में पहुंची सपने में जैसी पुगत भई है कयाज अरे परो है लड़ैया के देवे बालो भैया जून रे बना फर क्यार पीटो भीषण के हल भैयन को और भीषण को के लो है लुटवाई सलाखन की सोठ केहन तो लगे रिशलाय अरे आज्ञा पाऊं के जो दादा की तो मैं उदल कुलाऊं बंधवाय इच्छा देख तनरप ये चंद की तो लाखन उठे ते भरा रखाय दोस्तों लाखन जब उदल को कैद करने चले तो सैयद ने कहा अरे ना मन लीजो के तुम लड़ देखो वो उदल है के पूरी बलाय
जड़ जरा भी जो उसको दी हो के तो सब कनबज को लूट है आए। अरे बेला बेटी के पृथ्वी राज की लीनी प्यारे उदय सिंह राय खूनिया हाथी के इन उदलने के मारे दे द्वार पे पिथोरा जाए। दोस्तों यह हाल जब जयचंद ने जाना तो एक पत्र भेज करके आल्हा उदल को कन्नौज में बुलाया। अरे पढ़ी हकीकत जब आल्हा ने के राजा जयचंद रहे बुलाए संग मिले के करन बोरा को आल्हा चाहे दो करवाए। फूल तो दो पिलवाए अरे छो छुड़बाए तो दे द्वारे पे सब विधि दीने है मस्त बनाए। तबलो आल्हा उदल पहुंचे देखत कही ती कनौजी राय। सुनी है उदय सिंह राय सुनी पढ़ाई के हमने भाई नामी पी रहे बना फर राय। अरे सुन तई बेदुला को चढ़ भयो एकदम कूदे परो भेराय। ए सुमिर महोबे के तो मनिया को चल दो भाला के तुरंत उठाए। अरे देखत जोरा के भज किया भाला दो है के उदय सिंह राय। एक गजबर घुस गो सो तो हाथी के गिर गो धरन पे करौटा खाए। तो पटकी दैती के महारिशलाए। अरे भोरा भाज उठो तो पीछे को लख जे चंद कही दी हर साय। ए रिजगिर बदले इश कर तब के तुमको दई है उदय सिंह राय। अरे शीश नाई के आल्हा उदल वहां पे करो है बशेरो जाए। ऐसी निकासी तो कर आल्हा की सूरजन रिजगिर दे बसाए। अरे यहां नारी कहे तो लाखन को जिसमें बजी थी विकट तलवार। अरे देश कामरू को शर्मे कर है के लोहरो देव कुंवर को लाल।